शम्मी कपूर की पहली गाड़ी एक सेकेंड हैंड कार थी जो उन्होंने किश्तों पर ली थी, EMIs पर। और ये गाड़ी शम्मी कपूर को इतनी ज्यादा पसंद थी कि वो अक्सर ही इस गाड़ी पर बैठ के तस्वीरें खिंचवाते थे। इस गाड़ी की डाउन पेमेंट देने के लिए भी शम्मी कपूर साहब के पास पैसे नहीं थे और एक दोस्त ने उनकी मदद की थी। वो दोस्त कौन था और इस गाड़ी की बाकी डिटेल्स ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेरा नाम है राहुल, दिस इज 70mm विद राहुल। शम्मी कपूर साहब को बचपन से ही गाड़ियों का शौक था। जब वो स्कूल में थे तो कभी कभी अपने फादर पृथ्वीराज कपूर साहब की ओपेल गाड़ी चलाते थे, कभी अपने बड़े भाई राज कपूर की फोर्ड गाड़ी पर भी हाथ साफ करने का मौका मिल जाता था। लेकिन अपनी गाड़ी शम्मी कपूर साहब ने तब खरीदी जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म साइन की। फिल्म का नाम था जीवन ज्योति, जो 1953 में रिलीज हुई थी। जीवन ज्योति के प्रोड्यूसर थे A.R. करदार, जिन्होंने उस जमाने में शम्मी कपूर को एक बहुत बड़ी रकम देकर साइन किया था। वो रकम थी 11,111 रुपए, और ये एक सब्सटेंशियली बड़ी रकम थी शम्मी कपूर के लिए, क्योंकि उस वक्त तक शम्मी कपूर अपने पिताजी के पृथ्वी थिएटर्स में काम करते थे और उन्हें एक महीने में सिर्फ 300 रुपए की तनख्वाह मिलती थी। जिस दिन शम्मी कपूर साहब ने अपनी पहली फिल्म जीवन ज्योति साइन की और उनके हाथ में एक मोटी रकम आई थी, उस दिन शम्मी कपूर साहब ने तय कर लिया था कि अब मुझे एक गाड़ी खरीदनी है जो सिर्फ मेरी होगी। जब पैसे देते वक्त A.R. करदार साहब ने पूछा था कि शम्मी तुम क्या करोगे इन पैसों का, तो यही बात उन्होंने A.R. करदार को भी बताई कि मैं अब एक गाड़ी खरीदना चाहता हूं। उस वक्त करदार साहब ने यह कहा था कि देखो, गाड़ी अगर खरीदनी हो तो नई ही खरीदना, पुरानी सेकेंड हैंड गाड़ी बिल्कुल मत लेना। लेकिन A.R. करदार की बात पर शम्मी कपूर ने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। उन्होंने एक सेकेंड हैंड गाड़ी ही पसंद की, एक ऐसी गाड़ी जो उनके घर के पास एक सेकेंड हैंड कार डीलर के शोरूम पर खड़ी रहती थी और अक्सर ही आते जाते शम्मी कपूर को वो गाड़ी दिखती थी। और शम्मी कपूर ने मन ही मन डिसाइड कर लिया था कि जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं ये गाड़ी जरूर खरीदूंगा, एक नीले रंग की ब्यूइक कन्वर्टिबल। इस गाड़ी को जो बेच रही थी, इस गाड़ी की मालकिन, वो कोई आम इंसान नहीं थी। वो उस जमाने की एक पॉपुलर एक्ट्रेस थी, एक ऐसी इंसान जिनको आपने मुगले आजम में देखा था, और उस जमाने में वो मुगले आजम के डायरेक्टर के आसिफ की बीवी थी, निगार सुल्ताना। निगार सुल्ताना की ये गाड़ी जिस कार डीलर के शोरूम पे खड़ी थी उनका नाम था मिस्टर चूनावाला। शम्मी कपूर अपने एक दोस्त को लेकर मिस्टर चूनावाला से मिलने पहुंचे। इस दोस्त को मिस्टर चूनावाला जानते थे और इस वजह से कार डीलर मिस्टर चूनावाला ने शम्मी कपूर को यह गाड़ी 24 महीने की EMIs पर देने का फैसला कर लिया। EMI थी 650 रुपए और एक डाउन पेमेंट भी देना था। डाउन पेमेंट था 5,000 रुपए जो शम्मी कपूर के पास नहीं थे, लेकिन काम आए शम्मी कपूर के ये दोस्त जो साथ में गए थे, जिन्होंने 5,000 रुपए की डाउन पेमेंट दी। और तब जाके 1952 में शम्मी कपूर ने अपनी ये पहली गाड़ी खरीदी। शम्मी कपूर के ये दोस्त साथ में गए थे जिन्होंने उनकी मदद की, उनका नाम था SP ईरानी। बॉलीवुड के ये एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी रह चुके हैं और शम्मी कपूर ने बाद में जाके उनके साथ एक फिल्म भी की थी, गुल सनोबर। शम्मी कपूर साहब की ये पहली गाड़ी उनकी मोस्ट फेवरेट गाड़ी भी थी और
ये गाड़ी शम्मी कपूर को इतनी ज्यादा पसंद थी कि जब 1955 में फाइनली शम्मी कपूर इमर्जिंग स्टार, एक राइजिंग स्टार बनने लग गए और फिल्मफेयर मैगजीन ने पहली बार उनको अपने कवर पर जगह दी, तो शम्मी कपूर ने इस गाड़ी में बैठकर ही फोटो खिंचवाई, वही फोटो जो फिल्मफेयर मैगजीन के कवर पर भी आई। शम्मी कपूर साहब को ड्राइविंग करना, गाड़ी चलाना इतना ज्यादा पसंद था कि अपने आखिरी दिनों में जब वो हॉस्पिटल डायलिसिस के लिए जाते थे तब भी गाड़ी चलाकर जाते थे। और मुझे याद है जब मैं उनसे उनके घर पे मिला था तो शम्मी साहब ने मुझे ये बताया था कि जब मैं डायलिसिस के लिए नहीं जाता तब मैं बॉम्बे से लोनावला ड्राइव करके चला जाता हूँ, कॉफी पी के वापस आ जाता हूँ। मेरी और शम्मी साहब की अगर बातें सुननी है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, मुस्कुराइए और शम्मी कपूर की तरह याहू मोड में रहिए। जा रहा हूं।